Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about physical methods to separate the mixtures. बहुत सारे methods हैं जिनके जरिए mixtures को separate किया जा सकता है. सबसे पहले filtration. आपने कभी चाय बनाई हो तो आपने देखा होगा कि जब हम चाय को छानते हैं तो चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है. ये basically filtration है. इसमें insoluble solid को liquid से separate किया जाता है. यहाँ पर जो experiment दिया हुआ process of filtration का वो यही है कि अगर थोड़े से सैंड और वाटर को स्टिरिंग के जरिए मिक्स किया जाए तो सैंड उसमें डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है. अब अगर हमारे पास एक फनल हो जिसमें हम फिल्टर पेपर फिट कर दें और उस फनल को फिल्टर पेपर के साथ एक फ्लास्क के ऊपर अटैच कर दें, रख दें और सैंड सोल्यूशन को उसमें से पोर करें, तो ये जो फिल्टर पेपर है ये सीव की तरह, छलनी की तरह काम करेगा और सैंड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में रुक जाएंगे और वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा. तो जो चीज़ फिल्टर होके नीचे आ जाती है वो है फिल्ट्रेट, और जो वहीं रह जाती है फिल्टर पेपर में वो कहलाती है रेजिड्यू. ठीक है जी, ये देखें चाय की छन्नी और चाय. तो ये क्या है जो कप में आ गया या कैटल में आ गया आफ्टर सीविंग फिल्ट्रेशन, ये है फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया छन्नी में वो है रेजिड्यू. There is a box here of do you know which is describing the decantation process. इसके ज़रिए भी solids को और liquids को separate किया जा सकता है. सिर्फ ये करना होता है कि solid को नीचे बैठने देते हैं, settle down हो जाए sedimentation के ज़रिए, तो फिर ऊपर से जो liquid part है उसको pour off करके निकाला जा सकता है. ये देखें, this is the diagram of decantation. एक mixture है sand और water का, इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, सारी sand नीचे बैठ गई. अब आराम से ऊपर वाले वाटर को सेपरेट कर लें. ठीक है जी, ये प्रोसेस कहलाता है, पहले जो किया ये है सेडिमेंटेशन जिसमें सेडिमेंट्स नीचे बैठ गए, और ऊपर जो आ गया वो कहलाता है सुपरनेटेंट. सुपरनेटेंट को अलग कर लेना कहलाता है डीकेंटेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कैसे की जा सकती है, अगर हमारे पास वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन हो और हम उसको हीट करें तो वाटर सारा उड़ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट. तो इस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर को, और इसके ज़रिए हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. वैसे तो सॉल्ट वाटर को होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन इसको भी सेपरेट किया जा सकता है. ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वो हेट्रोजेनस मिक्सचर था, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर को हमने सेपरेट किया फिल्ट्रेशन से और डिकेंटेशन से, और एवेपोरेशन के ज़रिए होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, चाहे वो सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन हो या वो शुगर या वाटर का सोल्यूशन. अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में जहाँ गर्मी होती है और वार्म क्लाइमेट और सी वाटर अवेलेबल हो, वहाँ पे सी वाटर को एवेपोरेट करके लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट्स को इकट्ठा किया जा सकता है. ये देखें, इस तरह सॉल्ट वाटर को डिफरेंट जगहों पे ट्रैप कर लिया जाता है, क्यारियाँ सी बना के समझे, या बड़े पैंस में डाल दिया जाए, और वो बीच में जितना नमक इकट्ठा होता जाता है उसको ढेरियों के तौर पे इकट्ठा करते चले जाते हैं, पाइल्स बना देते हैं, और ये धूप से और गर्मी से वाटर उड़ता जाता है और ये सी सॉल्ट अलहदा होता चला जाता है. सी सॉल्ट बहुत सारी बेकिंग्स में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज सब्लिमेशन. मॉथ बॉल्स का पता है आपको, फिनाइल की गोलियाँ जिन्हें कहते हैं, फिनोफ्थलीन की गोलियाँ होती हैं जिनको, नेफ्थलीन की गोलियाँ होती हैं जिनको अलमारियों में या पेटियों में डाला जाता है ताकि कीड़े वहाँ ना आए. लेकिन आपने देखा कि कुछ अरसे बाद वो मॉथ बॉल्स गायब हो जाते हैं. अगर हम मॉथ बॉल्स और सैंड का मिक्सचर बना लें तो उसको भी सेपरेट किया जा सकता है, और वो जिस सेपरेशन की टेक्निक है वो कहलाती है सब्लिमेशन. जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, सब्लिमेशन के प्रोसेस में जो भी चीज़ सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारनी है उसको चाइना डिश में डाल के स्टैंड पे रखा जाता है, नीचे आग लगाई जाती है बंसन बर्नर के जरिए, उसके ऊपर एक फनल उल्टी करके रखी जाती है और फनल के अंदर फिल्टर पेपर फोल्ड करके रखा जाता है. टॉप के ऊपर कॉटन प्लग से इसका रास्ता रोक दिया जाता है और ये पूरा ऑपरेटर हीट अप किया जाता है. जब हीट प्रोवाइड होगी तो सैंड को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नेफ्थलीन जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली इवेपोरेट करेगा और गैस फॉर्म में आ जाएगा, और वो गैस ट्रैप हो जाएगी ऑन द फिल्टर पेपर, और इस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं मॉथबॉल्स को और सैंड को.
ये वही चीज है एक और केमिकल के साथ, सैंड और अमोनियम क्लोराइड, नीचे चाइना डिश है, उसके ऊपर फनल को रखा गया है। फनल में चाहे तो फिल्टर पेपर लगाएं, नहीं तो वो उसके ग्लास के ऊपर भी ट्रैप हो सकता है, और उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दें। नीचे से जब फ्लेम प्रोवाइड किया जाएगा तो मॉथ बॉल्स या अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन के जरिए डायरेक्टली इवेपोरेट होके और फनल की वॉल या फिल्टर पेपर के साथ अटैच हो जाएगा। देयर इज अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन जिसको कहते हैं विनोइंग। इसमें टू सॉलिड्स को सेपरेट किया जा सकता है, लाइट सॉलिड और हैवी सॉलिड, और ये दानों में वगैरह से भूसा अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। लुक एट दिस डायग्राम ऑफ विनोइंग के दानों को और भूसे को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट पर से, और हवा जब चल रही हो तब ये काम हो सकता है। तो भूसा जितना है वो उड़ जाएगा और दाने क्योंकि हैवियर हैं वो नीचे आ जाएंगे ढेर की सूरत में, और भूसा उड़ के साइड पे चला जाएगा। दिस इज विनोइंग। आपने रोज वाटर कभी यूज किया है? आपको पता है कैसे बनाते हैं रोज वाटर? फ्रेग्रेंट ऑयल से परफ्यूम निकालने के लिए या एसेंशियल ऑयल्स को सेपरेट करने के लिए फ्लावर्स या लीव्स से एक प्रोसेस किया जाता है जो कहलाता है डिस्टिलेशन। इस तरह डिस्टिलेशन की जाती है, पौधों के फूलों को या पत्तों को एक खास चैम्बर में रखा जाता है, नीचे से आग लगाई जाती है, आग की हीट की वजह से इनके एसेंशियल ऑयल्स उड़ जाते हैं, उड़ के वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं उनको ट्रैप करके ठंडा किया जाता है, और फिर ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। यानी रोज ऑयल, अगर हमने यहाँ पे रोज के फ्लावर्स रखे हैं तो यहाँ पे रोज ऑयल एसेंशियल ऑयल सेपरेट होगा, और नीचे जो है वो वाटर सेपरेट होगा जो कि अर्के गुलाब होगा।